हमारी न्यू क्रिएशन है, अपनी खुद की वैसरी क्रिएशन, कि हमने एक लीफ को अलग अलग थीम में क्रिएट करा सर। इसके अंदर सर SS का LA हो रखा है, ये मोर का पंख पूरे दिल्ली NCR में हमारे अलावा और कोई नहीं बनाता। इसके अंदर आप ये डमरू वाला डिजाइन देंगे या आपको अलग ही इसकी ब्यूटी को इनहेंस करता है। ये जर्मन वाला है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये हमारी कस्टमाइजेशन है, इसके अंदर मेलाकाइट ब्रास के साथ बनाया है सर। डिटेलिंग अगर चेक करें ना मजा आ जाएगा देख के। जी सर, आप स्टोर पे आके खुद चेक कर सकते हैं सर डिटेलिंग एक एक चीज। अगर अब इसका कैसे आती लाइट चलने के बाद, जी देखिए इसका व्यू ही अलग आ जाता है सर। जो और हमेशा याद रखना सर, जितने भी अगेट्स होंगे या नेचुरल पत्थर होंगे वो हमेशा ठंडे होंगे सर। अच्छा, ये इसका नेचर है, ये इसका फायदा है, ये भी देखे होंगे। मगर हम लोगों ने इस लोग बैकलाइट का कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे बार काउंटर टॉप और हमारे टेबल टॉप्स वगैरह, साइड टेबल कॉफी, आपको जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पर आना है और लेकर ही जाना है। आप आइए और एक बार इसको फील करिए, मतलब मेरे को देखा, मेरे को तो रियली बहुत पसंद आया। वही ले है जो ताजमहल में या कहीं भी हिस्टोरिकल इमारतों में यूज होता है। अच्छा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जो यूज होता है, ताजमहल ही आपने नाम लिया, उसमें सेम इनले वो करके सेम पत्थर का। हाँ, सेम पत्थर के। और तो अभी हमारे साथ स्टोर के ओनर मिस्टर आमिर। हेलो सर, कैसे आप? क्या, आई एम गुड सर, व्हाट अबाउट यू सर? आई एम फाइन सर, थैंक यू सर। तो प्लीज कुछ बताइए अपने और अपने स्टोर के बारे में। सर मैं अभी आप खड़े हैं मार्वल आर्ट स्टूडियो पे, जो की लोकेटेड है इन कीर्तिनगर, मायापुरी मेट्रो स्टेशन के सामने और रिंग रोड पे। हम लोग डील करते हैं मार्बल्स में, जैसे कि नेचुरल मार्बल्स में, जैसे कि सेमी प्रोसेस स्टोन, आर्टिफिशियल ऑनेक्स, नेचुरल ऑनेक्स, कोरियन और फेनिश स्टोन। और उसको हम कस्टमाइज करते हैं लाइक वॉल पैनल, पार्टीशन, वैनिटीज, वॉश बेसिन एंड कोरियन मंदिर। ओके, या सर। और उसके साथ हम साइड टेबल्स है हमारे, ये सारे जो हम MOP का भी वर्क करते हैं, हम लोग इनले वगैरह का वर्क करते हैं सर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बेसिकली आपका जो स्टोर का नाम है मार्बल आर्ट स्टूडियो, जी सर, तो आप मार्बल आर्ट करते हैं जी, इवन आप फर्नीचर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं जी, वॉल पैनल्स, वॉल क्लैडिंग कह सकते हैं जी, वो करते हैं स्टोन क्लैडिंग। जी जी जी, स्टोन क्लैडिंग। ये हमारी थर्ड जनरेशन है सर इस फील्ड में। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में गुरुद्वारे हैं, मंदिर वगैरह हैं, मोस्टली इल्ले का काम और पत्थर काम हम ही लोग करते हैं उसके अंदर। और उसके अलावा हम लोग के आप हमारे स्टोर पे आके देख सकते हैं, काफी लॉट्स ऑफ कलेक्शन है सर, वॉल्स पैनल का, डाइनिंग टेबल का, सेंटर टेबल का, इल्ले की पैनल्स लगे हैं, मंदिर भी लगे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं आप थर्ड जनरेशन? जी 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 जी। तो कहने का मतलब है कि आप 50-60 साल से लगभग है इस बिजनेस में? जी सर, आपके जो पीछे फैमिली बिजनेस है ये। जी जी जी। तो अब ना स्टार्ट करते हैं वीडियो, दिखाते हैं जो आपकी स्पेशलिटी है। जी, तो क्या मंदिर से स्टार्ट करते हैं? अच्छा, मंदिर से करते हैं, ठीक है, बताइए। ये हमारे कोरियन में है और इसके अंदर सर SS का LA हो रखा है। ये मोर का पंख पूरे दिल्ली NCR में हमारे अलावा और कोई नहीं बनाता सर। अच्छा, और ये मतलब ये SS का LA हो रखा है, इसके अंदर ये SS की सारी स्ट्रिप चल रखी है, इसके इनग्रेविंग जो कार्विंग, आप डिटेलिंग देखिए, फिनिशिंग देखिए, वर्क देखिए, क्या है क्या, आपको कुछ समझ आएगा हम किस क्वालिटी पे काम करते हैं और हमारी क्या फिनिशिंग है। आप इस मंदिर में देखिए, MOP का मंदिर, इसके अंदर हमने MOP का वर्क कर रखा है। ये है मदर ऑफ पर्ल्स, इसके बाद ये लैपिस, और उसके बाद ये है पावर सेल, और ये है मेलाकाइट। इसके पूरा एक सबका मिक्सचर करके हमने एक MOP का पंख तैयार किया, जो कि हमारा बहुत लेटेस्ट जो चलता है हमेशा। और इस पर हमने पॉलिस्टर कर रखा है सर, और इसके अलावा हमने कोरियन में ही इसकी मेहराब और कोरियन में ही इसकी साइड जाली दे रखी है। ये मंदिर पूरा कंप्लीट आपका 6x4 का मंदिर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे मंदिर पे, ये तीसरे मंदिर पे। इसमें हमने इसके अंदर हमने SS का ब्रास का इनले कर रखा है, जो इसकी जो इसका मेहराब है, मेहराब को हमने इसकी पिलर बना दिए सर। और इसमें हमने साइड के जाली भी दिया है, व्यू भी दे रखा है सर। अच्छा, और इसके अंदर साइड का व्यू भी है जो बहुत खूबसूरत और इसकी ब्यूटी को और एनहेंस कर देता है। और ये हमारा SS का इल्ले है सर, जो कि इस मंदिर के अंदर लगा हुआ है। ये कोव वाले मंदिर बोलते हैं सर इसे, जो बैकलाइट होते हैं सर, उसमें पूरा स्टेप भी दिया जाता है। इसको भी जो सारे माता बहन है जो हमारी, वो है जो इस सारे मंदिरों को अपने स्टोरेज भी रख सकती हैं, और काम भी अपना जो भी आप सामान रखना पूजा पाठ का वो भी रख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मंदिर की खासियत मैं आपको बताऊँ एक बार। इसके अगर आप ये ग्रूविंग चेक करो, ये अंदर है हमारा जो इनले वर्क है, ऐसे अंदर है ये, तो ये काफी बाहर है ये वाला, तो मतलब काफी डीप करी गई है। जी 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 सर, ग्रूविंग। ठीक है, अब ये बता रहे थे आप इस मंदिर का। अब आप देख रहे हैं, अब ये हमारा फोर्थ मंदिर है सर। हमारे पास और भी कई मंदिर कलेक्शन है, हमारी फैक्ट्री पे भी और हमारे इन शोरूम पे भी सर। आप इसको देखिए, इसकी ब्यूटी अलग से ही इनहेंस हो रही है। इसके अंदर पिलर में से भी लाइट निकल रही है सर, जो आप देखेंगे। और हमने सेम थीम इसके अंदर जो SS का इनले हो रखा है, वो भी हमने इस मंदिर के अंदर दे रखा है। ओम के अंदर लेयर वाला मंदिर इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके पिलर भी आप देखिए, इसके हमने डोर पे भी जो उसका कैबिनेट है, उस पर भी हमने जो हमें थीम दिखी है एकदम, जो उस कार्विंग कर सकते हैं वो हमने कार्विंग की। और इसके अंदर भी सेम ही स्टोरेज है सर, ठीक है, जो कि आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, अपने
पूजा पाठ से रिलेटेड। ठीक है, तो आप स्पेशलाइज्ड है कोरियन मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरे ख्याल से इस मार्केट में लिमिटेड लोग हैं जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जिसमें से हम भी हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन भी सर्च करेंगे इन गूगल तो नंबर वन पे हम ही दिखाएंगे आपको मार्वल आर्ट स्टूडियो के नाम से। क्या सर्च करेंगे अगर, तो कोरियन मंदिर अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पे हमारा ही नाम आएगा, द मार्वल आर्ट स्टूडियो के नाम से। ठीक है, तो अगर आप गूगल पर कोरियन मंदिर सर्च करते हैं तो सबसे पहले नाम जी सर, जी सर, मार्वल आर्ट स्टूडियो का सर। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हो साइड टेबल्स आपके, ये हमारे पास साइड टेबल रखी है सर, हमने जो हम अपनी कस्टमाइजेशन है, हम खुद ये बनाते हैं अपने ही डिजाइन चूज करके सर, और इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग ही इसकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं, हर एक पत्थर को नेचुरल स्टोन है सर ये सारे। तो इनके ना डिटेलिंग में ना अंदर चल के दिखाते हैं। जी 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 सर, सर आप बाहर तो जो एक्चुअल अभी नेचुरल लाइट पड़ रही है उसकी वजह से आपको मंदिर की जो ब्यूटी और ज्यादा नहीं दिख पाए, आप इसमें आप देख सकते हैं मंदिर अंदर आके आपको दिखेगा कि मंदिर की ब्यूटी बैक लाइट में कितनी है और कैसी है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आपको पिलर में हमारे सारे कस्टमाइजेशन है, आपको ये पिलर भी मतलब बहुत कम ही लोगों के पास बने हुए देखेंगे, आप बना पाते हैं क्योंकि हमारी ये अपनी कस्टमाइजेशन है, हम लोग इस पे वर्क करते रहते हैं, हमारा मतलब आजकल दो दो तीन तीन बजे बैठ के जाग के हम उसको नई नई चीजें निकाल के अपने कस्टमर को अच्छी चीज देना चाहते हैं, इसलिए हम एक नई चीज को ईजाद करते हैं सर। ठीक है, तो आप मतलब कुछ कुछ नया सोचते रहते हैं नया बनाने के लिए, उसको नजर आते हैं, हम वो चीज नहीं करते जो सब बना रहे हैं वही चीज हम बनाए सर, हम हमेशा आपको एक नई चीज ही देंगे, और जो हमारे कस्टमर हैं हमारे सारे कस्टमर हमसे बहुत सेटिस्फाइड हैं और वो हमेशा मतलब एक चीज चाहते हैं हमसे नई चीज, वो हमारे पास कॉल करते हैं तो हमारे पास एक नई चीज के लिए कॉल करते हैं कि आमिर जी मुझे नई चीज बना के दीजिए। ठीक है, जो अलग हो। अब आप मैंने मंदिर पहले देखे कोरियन के, पर जो उसके पिलर्स ना मैंने स्क्वायर देखे है ये हेक्सागन देखे पर एकदम राउंड नहीं देखे, मैं वही चीज हम लोग सर ये आप इसको देखेंगे, आप ये ग्रूव ये फ्लूट किया हुआ पहले इस पिलर को, फ्लूट डिजाइन। हाँ, और फ्लूट डिजाइन है कोरियन में बेंडेबल, इसको करके इसको फ्लूट किया गया, काफी पिलर्स में फट भी जाते हैं, काफी नुकसान भी होता है, बट हम इस चीज को मैनेज करते रहते हैं क्योंकि हम कस्टमर को क्या नया और बेस्ट दे सकते हैं सर। मेरे ख्याल से इसका डाया 5 से 6 इंच का, यही सर, ये सर 8 इंची का डाया, 8 इंच का, और इसके अंदर आप ये डमरू वाला डिजाइन देखेंगे ये आपको अलग ही इसकी ब्यूटी को एनहेंस करता है, आप एक बार जूम करके इसकी दिखाइए आपको पता लग जाएगा कि रग इसकी जो था ये बैंड भी हुआ है तो एक बैंड में भी इसकी गर्व है। हाँ। ये कर्विंग आप देखेंगे, ये चीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वर्किंग है, डिटेलिंग है और इसके अंदर फिनिशिंग है। ये चीज ना कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाती है जितना मर्जी कोशिश कर रहे, पर अगर आप यहाँ विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या। जी 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 सर, जी सर, जी सर, क्या उसके बाद हमारा आम वॉल पैनल भी आप लगाने के लिए जिसके यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं है, हमारे पास राधा कृष्ण जी का भी पैनल है और ये हम ऑफिस में, घरों में, फैक्ट्री में, कहीं भी लगा सकते हैं, इजी टू मूव, इजी टू क्लीन एंड इजी टू मतलब आप हर चीज में इसको मूव कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज क्या है, इसकी हम लोगों ने डिटेलिंग इतनी करते हैं कि आपको एक एक पिक्चर में एक एक जो अक्षर है ना, जो इनकी वरमाला या कुछ भी है वो आपको अलग दिख रही होगी, मतलब एकदम डिटेलिंग दिख रही होगी सर, एकदम सही। हाँ, एक बार मैं इसको ऑफ करके भी दिखाते हैं कैसा लगता है। सर मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी डिटेलिंग आपको खुद दिख जाएगी। अब देखिए कितना वर्क करा हुआ है, ये सीएनसी वर्क करा हुआ है इस पर, ये हम एक एक चीज को हम लोग जैसे कि बहुत सारे जो सीएनसी वाले हैं जो 4 नंबर से टूल चलाते हैं, हम 1 नंबर से टूल चलाते हैं, चाहे हमारा 4 दिन में बने या 5 दिन में, हम सामने कस्टमर को डिटेलिंग देते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब एक एक चीज आपके सामने। हाँ, हमारे कस्टमर ऐसे ऐसे हैं जो हमारे 4-5-5 साल से हमारे पास लगातार माल ले रहे हैं सर। ठीक है, तो एक बार दोबारा फिर इसी दिखाते हैं, ये देखिए आप इसका कैसे आती लाइट जलने के बाद, ये देखिए जी, देखिए इसका व्यू ही अलग आ जाता है सर। तो इसमें जैसे कि मैं पीछे देख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे जैसे ये गुरु नानक देव जी है, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु जी हैं, साईं बाबा हैं और अपने जैन धर्म के संस्था, इस आप कुछ भी बनवा सकते हैं, काइंड ऑफ आपको जो आप अपनी भी पिक्चर बनवा सकते हैं। अच्छा, अपने माता पिता। हाँ, अपने माता पिता की भी आप पिक्चर बनवा सकते हैं और किसी की भी आप अपने कोई भी गुरु या अपने कोई उसका किसी की भी आप पिक्चर आप क्रिएट करा सकते हैं सर, जैसा मर्जी कस्टमाइजेशन, जैसा मर्जी कस्टमर, जिस भी साइज में कोई इशू नहीं है सर। उसके बाद आ जाते हैं सर सेमी प्रेसिस अगेंस्ट, आपने सेमी प्रेस अगर बहुत जगह देखे होंगे, बहुत बार भी देखे होंगे, मगर हम लोगों ने इस लोग बैकलाइट का कॉन्सेप्ट जैसे हमारे बार काउंटर टॉप और हमारे टेबल टॉप्स वगैरह, साइड टेबल, कॉफी टेबल वगैरह, इसमें ज्यादा यूज होता है सर। और इसमें हम लोग सब बैकलाइट का ज्यादा कॉन्सेप्ट रखते हैं, ये 5 चीज वो है जो चीजें हैं जो बैकलाइट होती है, एक तो आर्टिफिशियल ऑनेक्स, एक नेचुरल ऑनेक्स और एक सेमी और एक सेमी प्रेस, और उसके बाद कोरियन और स्टोन वीनियर, वो 5 चीजें अवेलेबल है अवर शोरूम। ठीक है, तो 5 चीज आपने बताई जी, जो बैकलाइट स्टोन वीनियर, सेमी प्रीशियस स्टोन, आर्टिफिशियल ऑनेक्स, नेचुरल ऑनेक्स और कोरियन, ठीक है, वो 5 चीजें हमारे शो मिल जाएगी, शोरूम पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी ये तो खाली मेरे ख्याल से 6 हमारे आगे दिख रहे हैं, पर अभी काफी वैरायटी है वो दिखाएंगे आगे। जी जी, काफी जो नेचुरल ऑनेक्स और सेलेनाइट की टेबल
सर ये हमारा नेचुरल ओनेक्स है, ये सर हमारा नेचुरल ओनेक्स है। इसमें हम लोग सेंटर टेबल में यूज़ करते हैं, हम लोग डाइनिंग टेबल में या कॉफ़ी टेबल में किसी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इसमें कोई इशू नहीं है, और किसी भी साइज में बना सकते हैं सर। ये हमारा सैनेलाइट है, सैनेलाइट को भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, किसी भी साइज में बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल, वट एवर। अब जिसमें इसको कहते हैं सर बोन इन ले। बोन इन ले में यह है कि आपको हड्डी वाला इनले होता है, जो आप आजकल इसकी काफ़ी डिमांड है, और इसके अंदर यह मतलब काफ़ी आप उसके अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशन करा सकते हो और कोई भी डिज़ाइन भी बनवा सकते हो, लाइक स्टूल वगैरह, चेयर्स वगैरह या टेबल्स वगैरह में आप करवा सकते हो। उसके बाद ये सेम ही टेबल है, कॉफ़ी टेबल है हमारा सेलेनाइट का एक कस्टमर का। ठीक है जी। तो सेलेनाइट की मैं खासियत आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि गूगल पे सर्च करिए आपको पता लगेगा कि उसकी खासियत क्या होती है। उसके बाद ये है, ये हमारा मोर का पंखा इनले, जिस जो हमारे इनले में जो हमें सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो ये इनले है, MOP जैम स्टोन का इनले है सर। इसके अंदर सारा जो लैपिस वगैरह और इटालियन के कलर्स हैं, और इसके अंदर मतलब मोस्टली जैम स्टोन है, नेचुरल ओनेक्स वाले। ठीक है। जो नेचुरल कलर होते हैं ये वही इनले हैं जो ताजमहल में या कहीं भी हिस्टोरिकल इमारतों में यूज होता है। अच्छा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जो यूज, जैसे ताजमहल ही आपने नाम लिया, उसमें सेम इनले वो करके सेम पत्थर का। हाँ, सेम पत्थर के, और भी कई पत्थर होते हैं जो अभी यहाँ पर यूज नहीं। हमने इनले का काम मोस्टली साइटों पर होता है सर। ठीक है, जितने भी हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटर टेबल, कॉफी टेबल, मतलब अगेट्स के हमारे पास काफी भरमार है सर। ये हमारा व्हाइट अगेट है जो, और हमेशा याद रखना सर, जितने भी अगेट्स होंगे या नेचुरल पत्थर होंगे वो हमेशा ठंडे होंगे सर। अच्छा, ये इसका नेचर है, ये इसका फायदा है, ये हमेशा ठंडे होंगे। आर्टिफिशियल आपको टेम्पर के हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं, मगर नेचुरल कभी चेंज नहीं होता, वो ठंडा ही रहेगा, सर्दी हो या गर्मी हो ठंडा रहेगा। हाँ, ठंडा ही रहेगा। ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा एपॉक्सी का टेबल, ये हम थीम बेस्ड बनाते हैं, कस्टमर कुछ भी अपना पिक्चर देकर और वो बनवा सकता है सर। ठीक है। उसके बाद है ये हमारे मतलब सारे टाइगर, मतलब जितने नेचुरल स्टोन है, महंगे महंगे स्टोन है जो हम लोग बाहर के कंट्रियों से वो करते हैं, इसको बोलते हैं टाइगर आई। ये होते हैं सेमी प्रेसेस स्टोन, ये इसके डेले आते हैं और इसको हम बनवाते हैं। ये नेचुरल है जी, अभी नेचुरल रॉ मटेरियल है सर, रॉ है जी सर। ठीक है। और ये इसके बाद टाइगर आई है, ये वैसा होता है गोल्डन कलर का, और ये होता है गोल्डन कलर का टाइगर आई। उसके बाद ब्लू अगेट, इसके अंदर दो क्वालिटियाँ आती है, एक इंडियन और एक जर्मनी की। ठीक है। ये जर्मन वाला है। अच्छा। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये हमारी कस्टमाइजेशन है, इसके अंदर मेलाकाइट ब्रास के साथ बनाया गया सर। क्या नाम बताया? मेला, ये मेलाकाइट है सर, ग्रीन रन वाला, और उसके साथ ब्रास का कॉम्बिनेशन में करके हमने इसको नई थीम दी है सर। मेरे ख्याल सबसे महंगा यही आ रहा है। जी जी जी, मेलाकाइट। हाँ, मेलाकाइट होता है 8,000 रुपये स्क्वायर फीट का सर। अच्छा, तो आपकी जो स्टार्टिंग प्राइस क्या है ये अगेट्स की? अगेट्स की स्टार्टिंग प्राइस सर 1,800 रुपये स्क्वायर फीट है सर हमारे। 1,800 रुपये स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट विद मेकिंग। हाँ जी जी। अब जैसे ये पैनल लगे हुए आपके? जी सर, ये पैनल है सर, कोरियन के पैनल सर, और हमने इसके अंदर अपनी जो लेटेस्ट जो डिजाइनर टीम है, जो हमेशा एक नई चीज देती है, एक अपडेट करके लोगों को रखती है, अपने घरों को अपडेट करके रखती है, तो उस टीम ने हमारी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया सर। और ये व्हाइट को उसमें नहीं, कोरियन में इसमें कलर में आते हैं शेड्स में, तो ये उसमें यूज हो रखा है सर। इसमें आप गणेशा का पूरा एक अलग सा थीम देख रहे होंगे, जिसमें सूंड भी है, इनका सारी चीजें, और इसमें लीफ का भी डिजाइन है। आप लीफ में भी एक डिटेलिंग देखेंगे तो कितनी डिटेलिंग, एक रेशा रेशा दिख रहा है सर। जी जी जी, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, पूरा एक लीव आपको दे, तो ये आपके घर को, आपके घर के इंटीरियर को काफी इसकी ब्यूटी इनहेंस कर सकती है। अब हम आपको इसको बंद करके भी दिखाएंगे कि बंद करके कैसा लगता है सर। ठीक है। तो अभी तक जो हमने बंद करके दिखाया था आपको, व्हाइट कोरियन दिख रहा था या थोड़ा येलोइश में दिख रहा था, पर ये हमारा थोड़ा येलोश टाइप में आ गया, ऑफ व्हाइट टाइप में आ गया सर। ऑफ व्हाइट आ गया, पर इस पे बहुत हमारे वो क्या कहते हैं इसको, एक रेशे, रेशे कहते हैं वो। हाँ, है इसमें रेशे भी आ गए, ये थीम बेस भी आ गया। जैसे कुछ लोगों को व्हाइटनेस नहीं पसंद होती, कुछ लोगों को थोड़ा रेशे पसंद होते हैं, तो उस कस्टमर के लिए हम ये रखते हैं फिर। तो इसमें जो येलो लाइट आ रही थी वो स्कोरिंग की वजह से आ रही थी, पीछे नहीं, ऑफ व्हाइट भी नहीं, इसका कलर भी ऐसा है कुछ, और ऑफ व्हाइट लाइट भी है सर। ठीक, तो वापस से इसको जलाते हैं, जो साथ में है ये दिखाते हैं एक बार सर। आप देख सकते हैं ये अब जो डिजाइन है, इतनी बड़ी कोरियन की डिस्प्ले पूरे NCR में वॉल्स पैनल की किसी के पास नहीं है सर। अच्छा, जो सिर्फ मार्वल आर्ट स्टूडियो में है इन कीर्ति नगर, जो मायापुरी मेट्रो स्टेशन के सामने है सर। ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें आप नई नई जो डिजाइन है वो आप देख पाएंगे सर। ये आपके वॉल्स को, उनकी ब्यूटी को और एनहेंस कर सकती है, आपके घर को और अपडेट कर सकती है सर। ठीक, आप डिजाइन देखेंगे, हमारे पास ट्रेडिशनल भी है, हमारे पास आर्किटेक्चर भी है, हमारे पास मुगल आर्किटेक्ट, मतलब अलग अलग डिजाइन पे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कि आप ये पैनल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी ब्यूटी क्या है। एक एक रेशा रेशा हम आपको अलग करके दिखा रहे हैं,
कि इसकी मतलब मोर का पंख का डिजाइन है, हमने बहुत डिजाइन में कस्टमाइजेशन किए सर। आप देखेंगे इसका लीव वाला जो डिजाइन है आप वो भी देखेंगे, हमने लीव में दो शीटों को ज्वाइंट करके ये बनाया गया है और बहुत अलग ही एक कॉन्सेप्ट है। आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं और जो भी मतलब एक कंजाइन करके अलग एक नया ब्यूटी निकाली है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को ऑफ लाइट बंद में नहीं, लाइट ऑन करने के बाद और भी मजा आए। बस मतलब आप ये डिजाइन देखिए सर, एक फीचर वॉल आप क्रिएट करना चाहते हैं। जी सर, बेस्ट है पैनल्स। जी सर ये सब कोरियन में। एक चीज बोलना चाहिए कि वॉलपेपर होता है पर ये वॉलपेपर को फेल कर देगा। हाँ जी सर, ये एक बार आपको खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ और ये लाइफ टाइम तक के लिए, कोई ऐसा इसके अंदर कोई इशू नहीं। हम लोग सारा जो जितना भी काम करते हैं उसकी गारंटी भी होती है हमारी। अच्छा, कल को कोई भी आफ्टर सर्विस कोई भी दिक्कत आई, परेशानी, लाइट खराब हो गई या कोई भी इशू आए, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। चलो लाइट तो चलो एक है कि वो तो हाँ, कोई भी चीज हो इसमें दिक्कत ये हो जाती है खराब लाइट। जी पर जो इस जो आपका ये है कोरियन, इसमें कुछ कभी दिक्कत आता है? नहीं कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मेंटेनेंस इजी टू मेंटेनेंस है, इजी टू क्लीन है, इजी टू रिमूव है, मूव जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारे इंडिया में मतलब इंडिया में माइंस होती हैं, आउट ऑफ कंट्री में माइंस नहीं होती हैं। इसके सब्स्टिट्यूट में इन्होंने जो मैनमेड होता है तो उन्होंने ये पत्थर बनाया था। अच्छा हाँ, इसीलिए क्योंकि इंडिया में माइंस होती है तो आदमी यहाँ से पत्थर इजिली कैरी कर लेता है। बाहर के लोगों के पास इतना नहीं है, ना टाइम है, ना इतना पत्थर है। तो अभी आप इंपोर्टेड कोरियन यूज कर रहे हैं ना? हाँ, इंपोर्टेड कोरियन यूज कर रहे हैं। ये सर साउथ कोरिया से आता है। उसके बाद आपको ध्यान दिया, आपको हमारी डिजाइन आर्ट, ये हमारी फैक्ट्री है इन मानेसर, ये हम लोग वहाँ का वो करवाते हैं। और एक एक डिटेलिंग आप देख सकते हैं हमारी डिजाइन आर्ट की, या फिर वर्कमैनशिप देख सकते हैं क्या है वर्कमैनशिप, आपको पता लग जाएगी क्या हम कैसे टीम वर्क से काम करते हैं। उसके अलावा हमारे ये जो स्टोन है नेचुरल स्टोन, वो सारे चिल मिल जाएंगे। ये सैनेलाइट है, ये एमओपी है वाइट वाली, ये इसकी रेंज काफ़ी हाई होती है, 5,000 फुट तक की रेंज में आता है सर। अच्छा। उसके बाद ये अगेट है, उसके बाद ये सर लैपिस है, उसके बाद ये ऑफ वाइट की एमओपी है, उसके बाद ये पेट्रीफाइड वुड है, ये भी एमओपी है, ये भी एमओपी है, ये पावर सेल है, वो भी एमओपी है, वो भी एमओपी फर्स्ट वाली। हमारे पास एमओपी के लॉट्स ऑफ वेरिएशन है सर। और ये होते हैं इसके प्याले, ये जो बीच होते हैं समुद्र होते हैं। हाँ? समुद्र में ऐसे निकलते हैं, सीप निकलती है, प्याले निकलते हैं, वो प्यालों में से शेड्स आते हैं अलग अलग। उन शेड्स में से हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, व्हाइट को अलग, ऑफ व्हाइट को अलग, ब्लैक को अलग और येलोश को अलग। शेल कह रहे ना आप? सेल, हाँ, सेल। ये शेल है जी सर, ये यही चीज होती है आपकी एमओपी, मदर ऑफ पर्ल। जी मदर ऑफ पर्ल कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी लॉट्स ऑफ कलेक्शन है, जैसे कि ये मेलाकाइट है, इसके आप कुछ भी बनवा सकते हैं। जैसे कि ये जो मोस्टली ज्यादातर यूज होता है वो जो ना ज्वेलरी में यूज होता है सर, ज्वेलरी में होता है, जो ज्वेलरी में यूज होता है। उसके बाद हम अंगूठी में या फिर हार्स में, नेकलेस वगैरह में लगता है काफी लोग। उसके बाद ये पेट्रीफाइड वुड है, उसके बाद एमेचिन है, ब्लैक अगेट है और एक गोल्डन अगेट है। फिर उसके बाद हमारे पास किड्स रूम की थीम आ जाती है वॉल पैनल की सर। अच्छा, एस्ट्रोनॉट। जी सारा एक थीम क्रिएट करते हैं हम लोग, मतलब किड्स रूम की, जो उसको एकदम कस्टमाइजेशन में कर देता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और उसके बाद ये हमारी न्यू क्रिएशन है, अपनी खुद की वो है सर ये क्रिएशन, कि हमने एक लीफ को अलग अलग थीम में क्रिएट करा सर। अच्छा। उसके बाद अलग अलग हमारी और भी थीम से आप दिखा सकते हैं सर को। ये एक हमारे ज्योमेट्रिकल एक केस वो बना वॉल बनाई है, इसने हमें हर एक चीज को, हर एक औजार को मिलाया है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा फॉयर का एक है, जो पक्ति को हमने आकाश, मतलब हम एक चीज को इंस्पायर होते हैं, उस चीज को फिर अपने कला में उसके मतलब उसको उतारते हैं सर। और जैसी एक आप देख सकते हैं सर, एक हमारा पूरा क्रिएशन सर, मैं बोलूं आप डिटेलिंग अगर चेक करें ना, मजा आ जाएगा देख के। जी सर, आप स्टोर पे आके खुद चेक कर सकते हैं सर डिटेलिंग, एक एक चीज अगर आप चेक करो गौर से। जी सर, मतलब क्या डिटेलिंग। हाँ, ये हम लोग मोस्टली काम हमारा फिनिशिंग का ही रहता है, टाइम टू टाइम वर्क अपडेट रहने का सर, आपको टाइम पे काम पहुंचाने का। और उसके अलावा उसकी चीजों के हम लोग समझते हैं कस्टमर को, कस्टमर चाहता क्या, कस्टमर की नीड्स एंड वांट क्या है। अच्छा। हम उस पे वर्क करते हैं सर। ठीक है, ये तो हो गया फीचर वॉल। जी, अगर कोई कहता है कि मेरे को एक वॉल पे ये वर्क मिल जाए, पर इससे सिमिलर पर इतना ज्यादा इतना हेवी काम नहीं सर, फुल्ली कस्टमाइजेशन है, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे उसके हिसाब से हम बना देंगे सर। तो एक पैनल जैसे ये वाला पैनल है, कितना टाइम लगता है इसको सर? कम से कम 1 वीक का टाइम लगता है मिनिमम। अच्छा। अब मैक्स टू मैक्स ज्यादा किसी का बड़ा पैनल है या कुछ और कस्टमाइजेशन हैवी कस्टमाइजेशन में हमें बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ट्रेस करना पड़ता है हमें भी, क्योंकि हमें मशीन पर वर्क डालना पड़ता है, तो उसके अंदर 15 डेज भी लग सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर आप जो लीफ पर वो भी देखेंगे डिजाइन, फिर उसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद यूवी प्रिंट का, क्या हमारे पास यूवी प्रिंट की जो वो है
मतलब आप इसको जैसे आपने व्हाइट में देखा होगा कोई पिक्चर को, आप बीच में बगल में व्हाइट में देखो, ये यूवी प्रिंट है, कलर में आएगी सर। अच्छा ये भी एम्बोस्ड है हमारा। हाँ ये भी एम्बोस्ड है सर आपका। ठीक है, अभी तक जो हमने दिखाया था वो व्हाइट में दिखाया था, खाली व्हाइट था हमारा, एक सिंगल कलर। जी जी जी, और ये कलरफुल है हमारा। जी जी सर, फर्स्ट टाइम देखो, मजा आ गया देख के। एक बार इसको भी एक बंद करके दिखाएंगे, मैं एक बार बंद करके दिखा देता हूँ सर। ठीक है, तो ये कलरफुल कोरियन आ गया हमारा, यूवी प्रिंट जो बता रहे। जी सर जी, तो इसमें भी जैसे मर्जी कस्टमाइजेशन वाला जी, जैस जिस साइज में जो भी चाहे आप बनवा सकते हो सर। ठीक है, एक बार फिर जलाते हैं इसको। जी सर जी, बताइए आप। सर इसके अंदर यूवी प्रिंट वाला वो रखा है सर, और इसके अंदर मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को, हम जैसे हम बोलते हैं किसी भी जगह के, हाँ हमें ये बनवाना है, आप कुछ भी बनवा सकते हो, अपनी कोई पिक्चर, कोई मेमोरी, कोई थीम, या कुछ भी, अपने फैमिली फोटोज, या मतलब अपने पेरेंट्स के, या अपने कोई उस, या अपने किसी टीचर के, कुछ भी बनवा सकते हो, कस्टमाइजेशन है सारा। ठीक है, अब जैसे ही कितनी अच्छी है। अब ये राम दरबार है, आप राम दरबार को देख सकते हैं, हनुमान जी को एक चीज वो कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप राम जी की तरफ, मतलब पूरा एक सारा कॉन्सेप्ट एक डिटेलिंग में आपको दिखाया जाएगा सर। उसके बाद लीव वाली जो, मतलब हम बहुत कॉन्सेप्ट है, ये तो अभी हमने अपने डिस्प्ले में लगा रखे हैं, इससे कई ज्यादा कलेक्शन हमारी फैक्ट्री पे भी है। अच्छा। और मंदिर भी हमारे काफी, और भी मंदिर है, क्योंकि मोस्टली सारा ऑर्डर पे होता है, कोई कस्टमाइज, क्योंकि हर, क्योंकि कस्टमर की डिमांड और डिजाइन और साइज सबका अलग होता है। ठीक है, हम ये तो आपने सबको दिखाया जो अभी डिस्प्ले में आपका, जी, ये एक्सपीरियंस सेंटर हो गया। जी सर जी सर, एक आइडिया दीजिए, एक मंदिर का, कोरियन मंदिर का क्या स्टार्टिंग प्राइस रहता है? सर हमारे ना कोरियन मंदिर का 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है, 2x2 के मंदिर का स्टार्ट होता है। अच्छा। उसके अंदर पूरा मंदिर होगा, जिसके अंदर मेहराब, पिलर, टॉम, मगर साइड जाली, बैक, मतलब कम्प्लीटली विद इंस्टॉलेशन। ठीक, विद इंस्टॉलेशन बना रहे हैं। जी सर, अगर दिल्ली एनसीआर तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली भी होगा तब भी इंस्टॉलेशन हम करा के देंगे सर। कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस नहीं देंगे सर, जो एज पर एक्चुअल होगा, एज पर जो फेयर और कार्टेज, जो एक्स्ट्रा होगा वो, ठीक है ठीक है, एक्सेस और कार्टेज वो तो पे करना पड़ेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये वो ये हमने पैनल सिखा रहे हैं, जी सर जी, इसमें कितना खर्चा आता है एक मिनिमम जो सर? अगर आप 6x4 की वॉल लेंगे तो मिनिमम आपको मोटा मोटा 30,000 रुपए खर्चा आ जाएगा, जो आपकी ब्यूटी, आपकी वॉल को, आपके घर को बहुत एनहेंस करता है। 6x4, 6x4 24 स्क्वायर फीट बता रहे हैं। हाँ, 24 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से 6x, अगर आप कोई कहते हैं उनको 10x10 की वॉल है, 10x10 की वॉल होगी, वो भी मतलब अप्रोक्स एक आइडिया दीजिए, अगर 10x10 की वॉल होगी तो 1.5 लाख रुपए के अप्रोक्स, 1.5 लाख रुपए का। हाँ, एक बार खर्चा कर, हाँ, मतलब थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, मान तो ज्यादा अमाउंट है, कम हाँ, नहीं, 1.5 लाख बहुत होता है हमारे पर, कस्टमाइजेशन में हम उसको जिस कस्टमर का जैसा बजट होता है, हम उसको उस कस्टमर को उसी पैसे में बहुत अच्छी चीज बना के देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, 1.5 लाख एक बार खर्च करना पड़ेगा उस आपको, फिर उसका जो चीज आपको दिखेगी ना, ये जिंदगी भर रहेगी आपकी चीज, घर में कभी भी कोई आएगा पूछेगा ये क्या चीज है सर। हमारे मोस्टली रेफरेंस का ही काम है। हाँ। हमने इतने ऑर्डर हमारी वॉकिंग से नहीं है जितने हमारे रेफरेंस हैं। क्योंकि हाँ। तो जहां हमारे जो चीज लगती है सब मतलब एक ही नाम टाइप करते हैं, मार्वल आर्ट स्टूडियो। अच्छा। का एड्रेस का है और वो यहीं आ गए। ठीक है, और उसके अलावा हम आपको सेंटर टेबल अपनी और दिखाएंगे, जैसे कि ये भी है, ये हमारा गोल्डन अगेट है, ये हमारा ब्लैक अगेट है, ये स्मोकी है, और ये हमारा पेट्रीफाइड वुड है, ये हमारा गोल्डन है, और हमारा व्हाइट और ओएस है, काफी हमारे पास और भी कलेक्शन। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा सैंड स्टोन का पैनल है। सर एक बार इसकी डिटेलिंग दिखाइए, क्या डिटेलिंग है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम लोग किस वर्कमैनशिप पे काम करते हैं सर जी। अब मतलब हमारे पास अभी इतने ऑर्डर हैं कि हम उनको ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक एक्चुअली होता है ना कि आप किसी को एक आर्ट दे रहे हैं सर, तो जब आप आर्ट देते हो तो आप लोग सब कुछ दे देते हो सर। ठीक है, तो इसलिए हम कस्टमर के साथ ऐसे काम करते हैं जैसे कि हमारा फैमिली रिलेशन में सर। अब ये सैंड स्टोन जो बता रहे जी सर, मेरे को इसकी थिकनेस क्या, पहले मेरे को सर ये 50 mm की थिकनेस पे पत्थर पे बना हुआ है सर, ये 50 mm, 2 इंच के थिकनेस पे। अब हमारे पास और भी ऑप्शन है, ये भी हमारा वॉल्स पैनल पे, बेड की वॉल पे काफी चलने वाला डिजाइन सर। मैं आपको और भी इसमें ऑप्शन दिखाता हूँ, इनले के भी हमारे पास डिजाइन है और भी। जी सर, ये देखिए आप इसके अंदर, हमारी सारा ऑर्डर पे ही रहता है सर, हमारे पास इतना वो नहीं रहता कि हम अपने उसके नीचे डिस्प्ले के, बट जो आप ऑर्डर करेंगे वो आपका बन जाएगा। इसके बाद हमारा और भी है सर, ये आप दिखाएंगे अलग अलग वेरिएशन में है। जो सैंड स्टोन का जो वर्क है, इसका मिनिमम हमारा साइज 2 इंच ही रहता है? नहीं नहीं, आप 20 mm से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। 4 इंच ही कह रहे हैं आप? 4 इंच से स्टार्ट होता है। तो उसका प्राइस क्या रहता है स्क्वायर फीट के हिसाब से 4 इंच? सर हमारे पास मिनिमम जो स्टार्टिंग रेंज है 1200 रुपए से स्टार्टिंग रेंज है, 4 इंच का जो बता रहे हैं, 20 mm का। ये अलग अलग पत्थरों में अलग अलग वो है, आप जिसमें भी आप डिमांड करवा सकते हैं। और हमारे पास कुछ इनले के भी ही डिजाइन है,
ठीक है, आपको थिकनेस भी इसमें दिखा दे, ये हमारे पे इनले के लिए इनले वर्क करा हुआ है ये। हाँ जी हाँ जी, ये इनले में हम टाइल का नया एक इजाद कर रहे हैं, टाइल में आपने इनले कभी देखना होगा, आप टाइल में भी इनले देख सकते हैं सर। पर ये टाइल हमारे, ये नेचुरल स्टोन है ना, नेचुरल स्टोन है सर ये सारा, टाइल्स हमारे मेरे ख्याल से मैनमेड होती है जो बनाई जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये नेचुरल स्टोन से बन रखे हैं, ये आपको दिखा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, ये अलग अलग तरीके से, ये एक बार ये दिखाएंगे, ये हमारे इनले का ही है सर, ये वर्कमैनशिप है सर, ये आप देख सकते हैं पेंटिंग, ये भी सारा नेचुरल स्टोन पे ही बनी हुई है सर, इसके अंदर सारा मतलब जितने भी जेम स्टोन है वो सारे यूज हो रखे हैं सर। ठीक है, आप सर देखेंगे और भी कई हमारे पास ऑप्शन है सर, आप आइए एक बार ऑफिस, हमारा जो डिस्प्ले है उसको विजिट करिए, और जो हमारे कैबिन में भी आपको दिखाएंगे हम आपका। हाँ, वो मेरे को आप देखिए कैमरा में देखिए जो आपके कैबिन में। जी सर, सर ये आप कैबिन में आप आएंगे तो हमारा ये सब ऑफिस एरिया है सर, तो इसके अंदर मैं आपसे बस यही कहूंगा सर कि आप एक बार ऑफिस में आइए, जो हमारा है शोरूम, आप वहां पर आइए और जो हमारे पास चीजें हैं उन्हें एक बार देखिए, उनकी डिटेलिंग देखिए और उन्हें समझिए क्या है एक्चुअली, है क्या, ये हमारा आर्ट है, ये हमारा अपना पैशन हम आपको फॉलो वो कर रहे हैं, और वो आपको हम आपके घरों में या आपके जहाँ भी एरियाज में लगाना है वहां आपको अपनी आर्ट पहुंचा रहे हैं सर। तो आपको एक हमारी ये आपसे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारे जहाँ स्टोर है हमारे स्टोर पे आइए, जरूर एक बार देखिए और हमारे साथ चाय पीने का भी मौका सोचिए। ठीक है, तो अगर आप एक नेचुरल स्टोर में आर्ट या फर्नीचर चाहते हैं, होम डेकोर चाहते हैं, तो आप प्लीज विजिट करिए मार्वल आर्ट स्टूडियो। आपको जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पर आना है और लेकर ही जाना है, आप आइए और एक बार इसको फील करिए, मतलब मेरे को देखा, मेरे को तो रियली बहुत पसंद आया, आइए देखिए और प्लीज एक छोटा सा ना अपना रिव्यूज जरूर देना इस वीडियो में कि आपको कैसे लगा स्टोर पर आकर। तो सर धन्यवाद मुझे सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मैं आपकी जितनी भी ऑडियंस है इंस्टाग्राम यूट्यूब की जितनी भी ऑडियंस, सबसे यही कहूँगा कि एक बार मारवाल आर्ट स्टूडियो पे जरूर आइए, जो कि लोकेटेड है इन कीर्तिनगर और कीर्तिनगर मेट्रो मायापुरी मेट्रो स्टेशन के सामने। तो एक बार आप इस चीज़ का, हमारे जो आर्टमैनशिप का एक बार मज़ा लीजिए, एक बार समझ में आ गया कि आपके काम कराना या ना कराना मैटर नहीं है, बट आपको पता लगना चाहिए कि हम किस हिसाब से मेहनत करते हैं, किस हिसाब से हमारी आर्ट है, जो आपको आपके घर को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो जो कर सकते हैं सर। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मुझे टाइम, थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे आपने आज देखा कि आप नेचुरल स्टोन की आर्ट अपने फर्नीचर, होम डेकोर प्रोडक्ट्स, मंदिर या अपने घर को सजाने के लिए कहीं भी करवा सकते हैं, और साथ ही साथ आप NL फर्नीचर्स का सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, जिससे कि आप नए नए प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए देख सकते हैं।